वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन एंड चैप्टर सेकंड है लॉ स्प्रिंग। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर अवेलेबल है और वहीं पर मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में देते हैं। आज मैं इनके आंसर्स लेकर आई हूँ ताकि आपने जो भी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए हों आप क्रॉस चेक करें और पता चल सके कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट था लास्ट लेसन, आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वाई शुड वी ऑलवेज वैल्यू आर मदर टंग, गिव योर आंसर एज पर द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ये बताना है कि जो हमारी मदर टंग होती है यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है हमें हमेशा उसकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। हमें ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। जैसे कि मैं इस चैप्टर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुकी हूँ, आइए आज इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर नंबर फर्स्ट, मदर टंग इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच गिव्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द इक्वालिटी इन सोसाइटी। वी कैन रिफर दिस कंडीशन एज पर लास्ट लेसन चैप्टर वी आर लिटिन फ्रेंच वैल्यूड इज फ्रेंच लैंग्वेज। वैन ही न्यू दैट दिस क्लास इज द लास्ट क्लास इन फ्रेंच लैंग्वेज, देर विल नॉट बी एनी क्लास फर्दर इन फ्रेंच लैंग्वेज विच मेड हिम टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ मदर टंग। जिसमें बताया गया है कि मदर टंग जो है ना वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंसेंशियल पार्ट होता है। क्यों होता है? अगर मान लो अगर हम हिंदी बोलते हैं और हमसे बोला जाए कि अगर आप हिंदी ना तो बोल सकते हैं और ना ही आप हिंदी पढ़ सकते हैं, सो एक सेकंड के लिए सोच के देखिए तो आपका क्या होगा? नहीं है ना पॉसिबल। ऐसे ही यहाँ पे बात की गई है चैप्टर के रेफरेंस में कि जो फ्रेंच होता था जब उसको पता गया चला कि इसको फ्रेंच लैंग्वेज अब पढ़ने को ही नहीं मिलेगी और उन्हें अब जर्मन पढ़नी पड़ेगी, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो मदर टंग है वो उनके लिए कितनी इसेंशियल है और कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और तभी उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने फ्रेंच पढ़ ली होती और अब मुझे फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंच की लास्ट क्लास में आता है उसको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है। आंसर के की पॉइंट्स को याद कीजिए, आपका पूरा आंसर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, इन द स्टोरी ऑफ एम हेमल इमर्जेस नॉट ओनली एज अ डेडिकेटेड टीचर बट ऑल्सो एज सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग, एलेबोरेट द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। हमें बताना है जो एम हेमल है वो सिर्फ एक डेडिकेटेड टीचर के रूप में ही नहीं बल्कि एक सेंसिटिव और एक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग के रूप में भी दिखाया गया है। कैसे? अच्छा, जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ एम एमएल वाला चैप्टर, तो हम बात करते हैं लास्ट डे वो अपनी लैंग्वेज को लेके इमोशनल हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी 40 इयर्स ऑफ अ जर्नी अब ख़त्म होने वाली है, या जब उसको रियलाइज़ होता है काश मैंने फ्रेंच जैसे बच्चे को पढ़ाया होता, उससे अपने पर्सनल काम नहीं कराए होते और इसके पेरेंट्स की बात को ना मान के मैंने इसकी वैल्यू की होती। आइए आंसर देखते हैं क्या लिखा है मैंने। एम एमएल वॉज अ ट्रू फ्रेंच मैन टीचिंग एट अलास्का फॉर 40 ईयर्स, ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल, ही वॉज अ ऑनेस्ट टीचर, ही हैड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट अलोन फॉर पुअर लर्निंग, ही ऑल्सो हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक एज ही अपियर टू हिज कंट्री मैन टू होल्ड फास्ट टू देयर मदर टंग टू बी फ्री फ्रॉम द प्रशियन। इसमें बताया गया कि जो एम हेमल है वो एक ट्रू फ्रेंच मैन था कि उसने अपने लैंग्वेज को ईजीली और बहुत अच्छे से वैल्यू की थी कि जो भी वो लैंग्वेज पढ़ाता था वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, जहाँ पे वो अलास्का में 40 इयर्स से पढ़ा रहा था और वो क्या था 40 इयर्स ऑफ जर्नी उसकी ख़त्म हो रही थी और जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा था और वहाँ पे वो बता रहा था कि उसकी सिर्फ गलती नहीं है कि उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया और वहाँ पे उसकी बच्चों की गलती नहीं है, वहाँ पे उसकी खुद की गलती है जहाँ पे उसने नहीं पढ़ाया, वो उसके खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी कदर ही नहीं कर पाया, उनके पर्सनल काम कराता था और उनको लगता था ये बच्चे शायद अपनी फैमिलीज की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही अपील टू हिज कंट्री मैन टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल एंड ऑल हिज स्टूडेंट, हाउ एवर ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ही वॉज रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्री मैन, एट द हैंड ही बिकेम सो इमोशनल दैट ही कुड नॉट स्पीक। जब
फ्रेंच बोल, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी, तब उन्हें रियलाइज़ होता है जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरिस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, जो कि पूरी दुनिया की बात करता है। कि हमारी लैंग्वेज, अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ हिंदी की बात करती हूँ, तो हमें क्या लगेगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है ना वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। ऐसे उस टाइम पे जो फ्रेंच था और उसके टीचर थे एम हेमल, उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की मोस्ट क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी है। और तब उन्होंने अपनी कंट्री से अपील की थी कि वो अपनी भाषा को बचाएं और इसको कभी ना भूलें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी को डिफाइन करती है और जिससे वो इमोशनली अटैच भी हैं। अगर वो 40 ईयर्स से स्कूल में पढ़ा रहा था, तो एम हमल अपने स्कूल से भी बहुत बड़े लेवल पे अटैच हो चुका था, जिससे वो सिंसियर एफर्ट्स करता था और सब कुछ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने थोड़े और एफर्ट्स किए होते और बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया होता। और एट द एंड जब वो बोर्ड पर लास्ट लाइन लिख रहा होता है, तब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो उसका लास्ट डे ऑफ स्कूल है, जिस वजह से वो अब और बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। When people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they have two keys to their prison. Discuss the significance of the statement in the light of the lesson. यहाँ पे बताया गया है जो people हैं वो अपनी language को या अपने खुद के प्रति कितने ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि आपको इस चैप्टर के थ्रू बताना है कि हम अपनी लैंग्वेज को खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं और कोई दूसरा आके अपनी आरी लैंग्वेज को छीन के लेके जा रहा है, या किसी और के रूल की वजह से उनकी लैंग्वेज छिन रही है। तो हमें इसकी क्लैरिफिकेशन देनी है एज पर द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आंसर पढ़ते हैं इसका, इसमें क्या लिखा है। मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू इम्प्रेस हिज फीलिंग एंड थॉट मोस्ट लूसिडली एंड इमीडिएटली। Concurs tried to substitute and control the people of the enslaved territory by enforcing many measures such as the uses of a force to crush dissent and the imposing their own language on them. इसमें बताया गया है कि जो मदर टंग है वो एक पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट और उसकी इम्पोर्टेंस को बताने में हेल्प करती हैं, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को किसी के भी सामने इजीली एक्सप्रेस कर सके। और बताया गया कि उनके लिए वो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईजी टू स्पीक भी है। और लोग चाहे कैसे भी हो, ये नहीं कि आप उन पर कोई आए कोई दूसरी टेरिटरी आके उनको एनस्लेव करें और उनको बंदी बनाए और उनको इन्फोर्स करके क्या करें, उनकी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर आकर थोपे। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं कैसे क्या और कहाँ पे हुआ है। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। समटाइम आंसर दूसरों का आंसर पढ़ने में हार्ड लगता है, समटाइम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आंसर इजी बन जाए और स्कोरिंग भी बन जाए। फ्रॉम द इमेमोरियल द विक्टोरियस नेशन हैव इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन द कंकर्ड पीपल एंड टेकन अवे देयर ओन लैंग्वेज फ्रॉम देम। द रोमन्स कंकर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज बाय देयर ओन लैंग्वेज लैटिन। लेटर ऑन स्पीच पोर्टुगेज इटालियंस एंड फ्रेंच डेवलप फ्रॉम लैटिन। द मुस्लिम इन्वाडर्स इम्पोज अरेबिक एंड पर्सियन इन द कंट्रीज ऑफ एशियन ओवर पावर्ड बाय देम। इन मैनी अरब कंट्रीज द लोकल रिलीजन एंड अ लैंग्वेज हैव डिसअपील्ड। इन इंडिया अ न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ पर्शियन एंड अ हिंदी। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन सी लैंग्वेज कैसे क्या बनी। जैसे कि हम बात करते हैं जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल हुआ, तब हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ी, या इसमें बताया गया एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज बताई गई है जिससे उर्दू बनी पर्शियन और हिंदी से। ऐसे बहुत सारे रूल्स हुए जिस वजह से लोगों को अपनी भाषा छोड़नी पड़ी। हमें अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि हम अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकें और ये बता सकें कि हमारे लिए हमारी अपनी ओन लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एज वेल एज टुवर्ड्स एम एम एल चेंजेस व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट टेक ओवर हिज विलेज बाय द पर्शियन। डू यू अग्री? डिस्कस। जो फ्रेंच का एटीट्यूड होता है ना, वो स्कूल की और एमएमएल के प्रति बदल जाता है जब उसको पता चलता है कि वो आज अपनी लास्ट क्लास लेने आया है और जिस वजह से वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और आपको बताना क्या वो सहमत है। अगर आप सहमत है तो क्यों है ये भी बताइए। फ्रेंच कम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एमएमएल वुड गिव दैम फ्रेंच फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट बाय ओनली जर्मन। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन और लैंग्वेज प्रॉपरली। ही लुक्स विच सीम्ड एज न्यूसेंस एंड अ बर्डन अर्लियर वेयर
न्यू ओल्ड फ्रेंड्स हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज एम हेमल चेंज वैन ही न्यू इट वॉज द लास्ट लेसन ही वॉर ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट एंड अ हैट विच इज़ जनरली वॉर्न बाय हिम ऑन स्पेशल ओकेजन. इसमें बताया गया जब फ्रेंड्स था वो लास्ट डे जब क्लास लेने के लिए आता है तब उसको रियलाइज होता है एमएमएल कितने अच्छे थे, या वो जर्मन लैंग्वेज की वैल्यू ना करते हुए उसको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू समझ में आती है. ऐसे करते करते वो बहुत सारी चीज़ों को उसको रियलाइजेशन होता है, काश मैंने अपनी लैंग्वेज को पढ़ लिया होता है. यू नो ना जब हमारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है तब उस चीज़ का रियलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता. एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच, जब फ्रेंच को पता चलता है कि उसका लास्ट डे है स्कूल का और एमएमएल के साथ भी उसका लास्ट डे है और अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब उसको सॉरी फील होता है, काश उसने लेसन पढ़ लिया होता और इस लैंग्वेज को प्रॉपरली सीखा होता और उसको अब समझ में आता है कि वो जो बुके हैं, वो जो बर्डन बैग पे लेके, बैग का जो बर्डन वो लेकर चलता है वो कोई बर्डन नहीं था बल्कि उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है. और उसको एमएमएल में ऑल्सो चेंजेस लगते हैं कि हाँ एमएमएल कितना अच्छा था और वो उसके रूलर जिसे वो मारता था और उसके बिहेवियर के प्रति भी उसके लिए प्यार जागता है कि नहीं वो सही करते थे, गलत नहीं करते थे, बल्कि उनका मारना मेरे को ठीक था. और एमएमएल, यहाँ पे एमएमएल के बारे में बताया गया कि एमएमएल स्पेशल ओकेजन पे जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ करते थे तब वो कुछ स्पेशल ड्रेसेस पहना करते थे, उनका ही ड्रेस कोड हुआ करता था, उस दिन भी वो ड्रेस पहन के आए थे जैसे कि ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट, यहाँ पे आप फ्रिल शर्ट लिखेंगे एंड अ हैट विच इज़ जनरली वॉर्न बाय हिम ऑन स्पेशल ओकेजन्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारे लास्ट लेसन के चार क्वेश्चंस थे जो मोस्टली पूरे चैप्टर की समरी है एक तरीके से. इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी. आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर का. नेक्स्ट चैप्टर हमारा लॉ स्प्रिंग. लॉ स्प्रिंग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. इस साहिब आलम हर्ड बाय द ऑथर्स फेलियर टू कीप हर प्रॉमिस ऑफ अ स्टार्टिंग अ स्कूल गिव अ रीजनेबल आंसर. यहाँ पे बताना जो साहिब आलम था क्या वो ऑथर के प्रॉमिस पूरा ना कर पाने के, स्कूल स्टार्ट करने के, उससे वो हर्ट हुआ था. आइए बात करते हैं क्या हुआ था या नहीं हुआ था. एक सेकेंड आप सोचिए, क्या वो इस डिसीजन को पूरा ना कर पाने के बाद साहिब आलम को दिक्कत हुई होगी या उसे बुरा लगा होगा? हम कह सकते हैं यस. अब कैसे? कहीं ना कहीं साहिब आलम ने सोचा उस स्लम एरिया में अगर एनिस जंग जैसी लेडी अगर कोई स्कूल चालू कर देती है तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं और वो अपनी जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. आइए पढ़ते हैं मैंने आंसर में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके आंसर को और अच्छे से डिफाइन करेंगे. यस, साहिब आलम वॉज हर्टेड बाय द ऑथर्स प्रॉमिस विच वॉज मेड बाय हर टू हिम बिकॉज सम वेयर साहिब थॉट ऑथर विल गोइंग टू स्टार्ट अ स्कूल बिकॉज ऑफ इट मैनी ऑफ दैम इंक्लूडिंग हिमसेल्फ दे कैन इम्प्रूव देयर ओन कंडीशन एज लाइक नॉर्मल चिल्ड्रंस. एंड इज जंग फन वॉज बिकम अ सीरियस फॉर साहिब एंड इट शोज दैट समटाइम्स आर फन बिकम अ होप फॉर नीडी वंस. इट शोज द रियालिटी बिटवीन रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक वर्ड. यहाँ पे साहिब की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, सॉरी माय मिस्टेक गलत हो गई है. जो साहिब आलम था वो हर्ट हुआ था, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी तो वो लोग स्कूल जा सकेंगे, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे जैसे कि बाकी चिल्ड्रंस नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं. और वो लेकिन एनिस जंग ने तो एक मज़े में बात बोली थी जो कहीं ना कहीं साहिब के लिए मज़े में नहीं थी, वो उसके लिए सीरियस बन गई थी. इससे पता चलता है समटाइम्स हमारी मस्ती मजाक किसी के लिए बहुत बड़ा बन जाता है और ये डिफरेंस भी दिखाता है एक रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक वर्ल्ड का, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको उसकी कमी हमेशा खलती है. एज़ पर दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं अगर साहिब आलम और मुकेश जैसे बच्चों के पास उनके स्कूल जाने का वे नहीं था तो उन्हें वो चीज़ खलती थी, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस वजह से उनको तो इतने प्यारे नाम का मतलब भी नहीं पता था. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई साहिब नॉट हैप्पी विद हिज न्यू जॉब. आपको बताना है कि जो साहिब है ना वो अपने न्यू जॉब से खुश क्यों नहीं था. यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कीजिएगा. साहिब वॉज नॉट हैप्पी विद हिज न्यू जॉब बिकम बिकॉज नाउ ही इज नॉट अ मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस. कि जो साहिब है वो अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं रह गया था, जिससे पता चलता है कि उसको किसी और के अंडर जॉब करनी पड़ रही थी, किसी और के साथ किसी और का बर्डन उठाना पड़ रहा था, जैसे कि वो एक
चाय बनाने वाली दुकान में काम करने लगा था, जहाँ पे उसको हैवी कैनिस्टर ऑफ मिल्क उठाने पड़ते थे, जो मालिक कहता था वही करना पड़ता था और ना जाने क्या क्या ना। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था, अब उसको किसी और का सुनना पड़ता था। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लिखा है। ही हैज़ टू कैरी हैवी कैनिस्टर ऑफ मिल्क ऑन हिज शोल्डर विच इज़ मोर हैवियर देन सैक ऑफ गार्बेज। नाउ ही इज नॉट हैप्पी, हाउएवर ही गेट्स 3 times ऑफ अ मील एंड 800 rupees अप्रोक्स। जहाँ पे उसको खाना भी प्रॉपर टाइम पे मिलता था, पैसे भी प्रॉपर मिल रहे थे, लेकिन वो तब भी खुश नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो वेट ऑफ कैनिस्टर था वो हैवी हो गया था सैक ऑफ गार्बेज के कंपैरिजन में। ही स्टिल लाइक हिज प्रीवियस वर्किंग कंडीशन। उससे अपनी प्रीवियस वर्किंग कंडीशन ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना एक लुक फ्री कंडीशन खो चुका था, जहाँ पे उसको किसी की कोई टेंशन नहीं होती थी, जब मर्जी घूमता था, जब मर्जी मस्ती करता था, लेकिन अब उसको अपने मालिक यानी अपने मास्टर का ही सुनना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई इज मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक सिग्निफिकेंट। जो मुकेश का एक ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, वो क्या शो करता है। आइए, जैसे कि मैं बता चुकी थी उस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ा था, एक साहिब आलम और दूसरा मुकेश। साहिब आलम जिसके दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने मुकेश के लिए। आइए मुकेश के बारे में बात करते हैं। मुकेश जो बच्चा एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक नहीं बन सकता था, क्योंकि वो एक परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में जी रहे थे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। आइए आगे देखते हैं। मुकेश ड्रीम इज़ अ ट्रू, बट दिस ड्रीम इज़ नॉट ईजी टू मेक अप पॉसिबल। मुकेश का जो ड्रीम है वो ट्रू नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी कंडीशन थी। पहली, वो एक परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रहता था, जो उसकी रियल कंडीशन थी। हम कभी भी किसी भी काम को अपनी रियल कंडीशन से बढ़कर नहीं कर सकते हैं। इफ ही लिव्स इन अ नॉर्मल कंडीशन लाइक अदर चिल्ड्रन, सो ही कैन ऑल्सो चेंज हिज ओन कंडीशन एज वेल एज देयर सराउंडिंग इफ दे आर अवेयर फ्रॉम देयर ओन रियालिटीज। अगर हम भी यानी हम इन द सेंस अगर मुकेश भी नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह रहता, तो वो भी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर सकता था, जैसे कि नॉर्मल बच्चे करते हैं, और वो अपनी रियालिटीज़ को सही नहीं कर पा रहा था, या वो नहीं कर पा रहा था जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी रियलिटी से अवेयर था, वो जानता था कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड अ लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मेजर हजार्ड्स ऑफ वर्किंग कंडीशन इन अ बैंगल फैक्ट्रीज एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैंगल फॉर एन इंडियन वुमेन। इसमें बताना है कि क्या मेजर हजार्ड से क्या मेजर कंडीशन थी बैंगल फैक्ट्रीज की, और जो चूड़ियाँ थी वो मेनली किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। आइए बात करते हैं। जो हजार्स ऑफ वर्किंग कंडीशन है, इसको मैंने एज इट इज़ प्रीवियस वाली एक्सप्लेनेशन से लिया है, ताकि आपको बार बार न्यू पॉइंट्स ना ढूंढने पड़े, आप एक ही पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके। जैसे कि हाई टेम्परेचर था, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन था, लाइट की कमी थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेसेस, घंटों काम करना पड़ता था हॉट फर्नेस के आगे, बॉयज़ और गर्ल्स को अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा असिस्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो पूरा दिन अपनी जो दिन है वो कहाँ पे बिताते थे, डार्क में बिताते थे। आइज़ आर मोर एडजस्ट डार्क देन लाइट, उनकी आइज़ डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी एज़ पर द कंपेरिजन ऑफ अ लाइट, और जो चूड़ियों का डस्ट होता था वो उनकी आँख को इफेक्ट करता था, जिस वजह से वो कई बार अंधे भी हो जाया करते थे। मनी लेंडर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते थे, पुलिस ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन द्वारा। फेयर था इल ट्रीटेड बाय पुलिस, डर लगता था कि कहीं पुलिस द्वारा इल ट्रीटेड ना किया जाए। लैक ऑफ लीडर था, लीडर की कमी थी जो उन्हें सबको ऑर्गेनाइज करके दे। स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी थी, एक ऐसी पॉवर्टी थी जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती थी, वो हमेशा हमेशा नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्टी स्टमक खोज दे, शायद वो इतना भी नहीं कर पाते थे जिससे वो खुद को फीड कर पाए। इंस्टिंक्टिव लेंस में रहते थे, स्टिकी लेंस वो लेंस होती है जहाँ पे गंदगी होती है और जहाँ पे वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं होती, और जो वो एरिया होता था वो ओवरक्राउडेड होता था, ना सिर्फ इंसानों से इनफेक्ट जानवरों से भी। इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं, आइए देखते हैं सेकंड चीज़ क्या है। इसमें दूसरा पूछा है कि जो चूड़ियाँ हैं वो किस चीज़ की सिग्निफिकेंस है। आप आंसर को एज इट इज़ लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर पूछ लिया जाता है। बैंगल्स एंड द सिंदूर आर द सिंबल ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडियन सोसाइटी फॉर देयर सुहाग। जो बैंगल और सिंदूर है ना, वो मैरिड वुमेन की इंडियन सोसाइटी में सुहाग का प्रतीक है। थैंक यू। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन
फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.